नमस्कार, आप देख रहे हैं जम वर्चुअल में पंकज खजूरिया। सीधी तस्वीर आपके सामने बीसी रोड जम्मू के बाहर से, जहां पे पाकिस्तान का जो है बजरंग दल द्वारा झंडा जलाया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस की बस के ऊपर घात लगा के हमला किया गया, उस हमले को लेके जम्मू के अंदर काफ़ी रोष है और इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी होते हुए कल घात लगा के जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आर्मर्ड पुलिस के बस के ऊपर जो पटन के इलाके में जो हमला किया गया, उसको मद्देनज़र रखते हुए रोष जो है जम्मू के अंदर दिखता हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी जम्मू के अंदर बीसी रोड जम्मू से, जहां बजरंग दल जो है इस समय नारेबाजी कर रहे हैं। अब तक की सूचनाओं के मुताबिक जो हैं उसमें लगभग 14 सैनिक मौजूद थे जम्मू कश्मीर आर्मर्ड पुलिस के, जिसमें तीन की शहादत हो गई है और 11 अभी भी जो है वो हॉस्पिटल में। इस तरीके से सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पे पाकिस्तान के झंडे को जलाया जा रहा है बजरंग दल द्वारा। पाकिस्तान के झंडे को जला के जो है रोष व्यक्त करते हुए बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं जम्मू के अंदर। देखिए, जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार वह अपने यहाँ से आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके वो जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर भेज रहा है, जो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिस प्रकार की कल घटना हुई है, एक जिसमें हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और 11 के करीब जो है वो घायल हैं, जिस प्रकार से हमारी पुलिस की एक बस के ऊपर घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया है, वो बड़ा निंदनीय है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो नेता लगातार कश्मीर के बेस के नेता जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, भाई एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, ये कौन सी राजनीति का खेल खेल रहे हैं ये लोग? इनका पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का प्रेम है कि हमारे जवानों की शहादत के ऊपर भी ये पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रहे हैं? हम केंद्र सरकार से ये एक मांग करने आए हैं कि केंद्र सरकार को अब समय आ चुका है कि जल्द से जल्द या तो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान में करना अनिवार्य है, ताकि वहां पर जो आतंकवादी जो आतंकवादियों द्वारा वहां पर चलाए जा रहे ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको खत्म किया जा सके और जो हमारा पीओके उनके पास है उसको वापस लिया जा सके। ये अब अत्यंत आवश्यक हो चुका है कि हमारी सरकार को कोई ना कोई निर्णय जो है वो पाकिस्तान के विषय में लेना पड़ेगा, अन्यथा इसी प्रकार से हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और यहाँ हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो रोषित होते रहेंगे। और अगर जनता रोषित हुई तो इसकी प्रतिक्रिया जो होगी वो सरकार के खिलाफ होगी, इसलिए सरकार को इसके ऊपर निर्णय लेना है कि जनता को रोषित करना है कि इस पाकिस्तान को उसकी नानी का दूध जात दिलाना है, तो जल्द से जल्द जो है वो पाकिस्तान के ऊपर केंद्र सरकार कार्रवाई करे, ये मांग है हमारी केंद्र सरकार से। राकेश जी, आपको लगता है कि पुलवामा में जिस तरह से बचने का वाका हुआ तो उसके बाद अगर ये पुलवामा को हराने की कोशिश जिस प्रकार से घात लगाकर तो सीधी तस्वीरें आपके सामने बीसी रोड जम्मू से, यहाँ पे
ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक की जानी चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर रेड किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो भी गलतियां हैं उससे बाज नहीं आ रहा। आए दिन जो मिलिटेंट एक्टिविटी कश्मीर घाटी के अंदर खासकर हो रही है वो सारी की सारी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, इसी चीज को लेकर जो है रोष है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को कश्मीर के अंदर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने के लिए कोई ना कोई दृढ़ निश्चय लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर निश्चय नहीं ले पाते हैं तो लोगों का रोष जो है वो सरकार के प्रति आएगा। वहीं उन्होंने कश्मीरी नेताओं को आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि यहाँ एक तरफ कश्मीर के अंदर पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, वहीं वो लगातार पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए पैरवी करते आते दिखते हैं जो कश्मीर घाटी के लीडर हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जम्मू के अंदर जो है वो रोष काफ़ी ज़्यादा है। जो कल का मिलिटेंट अटैक हुआ है जिसमें घात लगा के हमला किया गया जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के ऊपर, और उस अटैक को लेके जम्मू के अंदर जो है आज पाकिस्तान का जो झंडा है उसको भी जलाया गया और डिमांड की गई कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मिलिटेंट बेस कैंप हैं उसको ध्वस्त करने के लिए एयर स्ट्राइक की जानी चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक की देख रही ग्रेटर जम्मू वर्चुअल कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।